प्रीव्यू। नमस्कार, मैं हूं पिंकी। आज आपके लिए लाई हूं कुछ खास। देखते रहिए उदित राज न्यूज़, सब पर नजर, सबकी खबर। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और साथ ही रेल सेवक संघ भारतीय रेल में चलती है उसका राष्ट्रीय महामंत्री भी। किसान परिवार से हूं और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की बड़ी खुली नीति है किसान आंदोलन को सफल बनाने की। और दूसरा, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी कृषि कानून को वापस लेने की मांग इसलिए कर रही है कि वो असंवैधानिक तरीके से पास किया गया है। नियम यह है कि अगर विधान लोकसभा या राज्यसभा में अगर एक भी सदस्य ये मांग करता है कि हमें विश्वास नहीं है, इस पे वोटिंग कराई जाए इस बिल पे, तो ये बाध्यता है राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष की उस पे वोटिंग कराए। लेकिन इस पे कृषि बिल पे वोटिंग नहीं कराई गई और हल्ला के आधार पे, जबकि बहुमत नहीं था, इसे पास कर दिया गया। तो इस पे इसको वापस लेना चाहिए और इस पे जनमत संग्रह करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, एक बात। और दूसरी चीज कि अगर वो किसानों का भला चाहते हैं, इस देश के नागरिकों का भला चाहते हैं, राष्ट्र का भला चाहते हैं, तो सबसे पहले पूर्व सांसद और महान समाजवादी चिंतक रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के काम बांधो दाम बांधो नीति के राह पे चल के MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्होंने तय किया है, ये सरकारी संस्था हो या निजी संस्था हो या निजी व्यक्ति हो, सबके लिए उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदना बाध्यकारी करना चाहिए और कानून में ये प्रावधान करना चाहिए कि जो नहीं खरीद रहा है उसके दंडित किया जाएगा, एक बात। दूसरी चीज कि इसी के साथ जो खरीद मूल्य आती है या लागत मूल्य आती है, उस सामान का अधिकतम विक्रय मूल्य भी तय होना चाहिए। ये नहीं कि 10 रुपए किलो आलू खरीद के 500 रुपए किलो आप चिप्स बेच रहे हो। लागत मूल्य और अधिकतम विक्रय मूल्य में डॉक्टर लोहिया के नीति के अनुसार 1.5 का अनुपात होना चाहिए। अगर 10 रुपए किलो लागत आती है तो उसे 15 रुपए किलो से अधिक में नहीं बेचना चाहिए। इससे एक समतामूलक समाज की स्थापना करने में बल मिलेगा और लोग सुखी होंगे। इसी के साथ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से ये मांग करता हूं कि जितने भी पेट्रोल पंप है, आप पारदर्शिता की बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल और CNG के मूल्य में कितना उसका मूल्य है, कितना डीलर का कमीशन है, कितना एक्साइज ड्यूटी है, कितना वेट है, ये साफ साफ लिख के बोर्ड लगाना चाहिए जिससे आम जनता को ये पता चले कि आप 20 रुपए लीटर पे लगभग 60 रुपए का टैक्स ले रहे हैं और जनता के धन को टैक्स के माध्यम से लूट रहे हैं। तो नीतियां लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की बहुत साफ है समतामूलक समाज की स्थापना के लिए। और उत्तर प्रदेश का अन्य प्रदेशों में बुलाए जाने पे मैं जाता हूं या कोई विशेष अवस्था आ जाए तो, विशेष स्थिति आ जाए तो, बाकी मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर तरिया सुजान से लेके सलेमगढ़ से लेके और देवरिया कुशीनगर गोरखपुर पडरौना होते हुए मऊ आजमगढ़ होते हुए जौनपुर होते हुए बलिया होते हुए बनारस इलाहाबाद फैजाबाद सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ तक का दौरा किया और दूसरा दौरा प्रस्तावित जो है हमारा अगले सप्ताह में है। इसमें हमने एक चीज पाया कि ये कृषि किसानों का आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो रहा है और मोदी जी को यह आभास लग गया है, मोदी जी को ही नहीं पूरी भाजपा को। और यही कारण है कि मोदी जी अपने समाचार को समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं, कराते हैं अपने पद का दुरुपयोग करके और फिर उनकी फोटो अपने ट्विटर पे लगाते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री के ट्विटर पे जाएं तो आपको
सीधे सीधे ट्विटर के आईडी पे उनके अखबारों के फोटो नजर आएगी। तो ये मीडिया के माध्यम से और टैक्स के माध्यम से जनता के धन को लूट रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।